ये देखिए, दुनिया उस वक्त हैरान हुई जब अचानक 25 दिसंबर 2015 को अनअनाउंस्ड भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहुंचे मॉस्को से वापसी पर अफगानिस्तान, और वहां पर उन्होंने अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया। इस पार्लियामेंट के लिए भारत ने 90 मिलियन डॉलर्स खर्च किए, 90 मिलियन डॉलर्स से। यहां चाइना ने एक बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा कि ग्वादर में जुम्मे को होने वाले हमले में एक चाइनीज शहरी जख्मी हुआ है और दहशतगर्द तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस वाकये की जिम्मेदारी कबूल की है। पाकिस्तान में चीनी सफारतखाने ने वाकये की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि तारीखी वजूहात की बिना पर बलूचिस्तान के कबाइल में पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत के खिलाफ मनफी जज्बात पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ दहशतगर्द ग्रुप्स भी कायम हुए हैं। पहले ऐसी मिसालें मौजूद नहीं थी कि ये ग्रुप्स चीन के भी मुखालिफ रहे, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए इन ग्रुप्स ने चीनी शहरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है जो पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई बरसों से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन के लिए ज़रूरी है कि वो अफगानिस्तान में नई हुकूमत पर जोर दे, जो पाकिस्तान भी दे रहा है, कि इन दहशतगर्द ग्रुप्स को कुचलने के इकदाम किए जाएँ जो पैदा तो अफगानिस्तान में हुए थे लेकिन अब पाकिस्तान में फाल हो चुके हैं, और इसी तरह नई हुकूमत जो अफगानिस्तान में बनी है चीन उसके बारे में अपनी राय कायम करेगा कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों के साथ है या उनके खिलाफ है। भारत ने क्या किया? हैरतअंगेज तौर पर भारत ने पिछले 20 सालों में कम से कम 3 बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी की अफगानिस्तान में। भारत अफगानिस्तान इतनी सरमायाकारी क्यों भाई, उनका क्या लेना देना था? आप हैरान होंगे कि भारत यानी अफगानिस्तान की अपनी जो पार्लियामेंट है जहां पर उनका सारा सियासतदान बैठता है सारा कुछ, वो पार्लियामेंट भी भारत ने बनवाई, उसका इफ्तिताह किसने किया? अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का इफ्तिताह किया नरेंद्र मोदी साहब ने, यानी भारत के वजीर आजम अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का इफ्तिताह कर रहे हैं। इसमें आपको क्विकली कुछ बताते हैं, सलमा डैम है, 30 करोड़ डॉलर की लागत से बनाया गया, हेरात में मौजूद है, इसका इफ्तिताह हुआ 2016 में, और ये मंसूबे ऐसे हैं जिनमें से कुछ कंप्लीट हो गए कुछ अभी जारी हैं। एक अगला देखिए, जारन दलाराम हाईवे है, 150 मिलियन डॉलर्स की लागत से 218 किलोमीटर पर तवील ये हाईवे बनवाया भारत ने अफगानिस्तान में। आप आगे आइए देखिए, अस्तोर पैलेस बनवाया भारत ने, 7 मिलियन डॉलर से इस पैलेस की तामीर नौ की गई, और इसका भी 2016 में अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी और भारत के वजीर आजम मोदी ने इफ्तिताह किया। फिर हुबैबिया हाई स्कूल है, भारतीय हुकूमत ने 50 लाख डॉलर से इसकी तामीर नौ की। पुलखमरी ट्रांसमिशन लाइन है, 202 किलोमीटर तवील 220 केवी की ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन की तामीर ये भी करवाई भारत ने अफगानिस्तान में। फिर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ बनवाया, और इसके साथ बदख्शां, बलख, कंधार, खोस, कुन्नड़, नंगरहार, यहां पर भी इसके सेहत के मराकज बनाए गए। 2020 में 80 मिलियन डॉलर्स के 100 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया। शातूत डैम बनवाया भारत ने, 8 फरवरी 2021 को 300 मिलियन डॉलर से जिला काबुल में इस डैम की तामीर का आगाज किया गया, और तो और 1 मिलियन डॉलर दिया भारत ने कंदाहार क्रिकेट स्टेडियम तामीर करने के लिए अफगानिस्तान में, जो कि तकरीबन 44 एकड़ रकबे पर था, ये भी भारत ने इसके लिए 1 मिलियन डॉलर दिया। इसके अलावा 400 बसें, 105 बल्दिया की गाड़ियां, यहां तक कि अफगानिस्तान की आर्मी को ट्रेन किया, जिसके आपने कारनामे देखे कि क्या क्या दिखाए उन्होंने। अफगानिस्तान की फौज के लिए 285 फौजी गाड़ियां दी, 3 एयर इंडिया के तैयारे भी दिए, और इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें, यहाँ तक जो मैंने आपसे अर्ज किया। आप ये देखिए, दुनिया उस वक्त हैरान हुई जब अचानक 25 दिसंबर 2015 को अनअनाउंस्ड भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहुंचे मॉस्को से वापसी पर अफगानिस्तान, और वहां पर उन्होंने अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया। इस पार्लियामेंट के लिए भारत ने 90 मिलियन डॉलर्स खर्च किए, 90 मिलियन डॉलर्स से अफगानिस्तान की पार्लियामेंट की तामीर की गई। 25 दिसंबर का दिन चुना गया जब इसका इफ्तिताह किया गया, और इसी दिन 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत के साबिक वजीर आजम रहे, उनकी सालगिरह का भी दिन है, और इसी मुनासिबत से अफगानिस्तान के पार्लियामेंट का अटल ब्लॉक, उसका बाकायदा नाम रखा गया, अटल ब्लॉक एक कॉम्प्लेक्स का नाम रखा गया, जो कि आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जिसका बाकायदा इफ्तिताह किया गया। इस हद तक यहाँ पर मुदाखलत रही। पाकिस्तान में बड़ा एक्साइटमेंट हो रही है, इंडियन मीडिया को दिखाया जा रहा है चीखते चलाते प्रोग्राम्स के अंदर, और तमाम प्रोग्राम्स में हम उनको दिखा रहे हैं। हम जरा थोड़ी सी जज्बाती कौम तो हैं,
लेकिन जितनी बार मैंने इनके अहदेदारान की बात सुनी है, चाहे वो स्पोक्समैन हो या कोई और हो, वो इंडिया से अपने ताल्लुकात, अच्छे ताल्लुकात रखने की बात करते हैं। क्या आपको वहां बैठ के क्या नजर आ रहा है कि क्या इंडियन इन्फ्लुएंस वैसे ही रहेगा और क्या उतना ही डेवलपमेंट वगैरह में इन्वॉल्व होंगे कि या वो कम हो जाएगा? मैं ये नहीं कह रहा कि कोई जंग करेंगे आपस में, नॉर्मल रिलेशनशिप तो वो रखना चाहेंगे। क्या इंडियन इन्फ्लुएंस आ गया आपको कम होता नजर आता है या पुरानी लेवल्स पे रहेगा? देखिए, अफगानिस्तान और इंडिया दोनों सॉवरेन ममालिक हैं, उनके बाहमी डिप्लोमेटिक ताल्लुकात या किसी किस्म की एंगेजमेंट पर हमने कभी एतराज़ नहीं किया। अलबत्ता इंडिया के मनफी रवैये के ऊपर, इंडिया का जो यहाँ पे अफगानिस्तान की सरजमीन को इन टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल करने का जो एक्शन था या जो एक्शंस थे, और जिसका हमने एविडेंस भी बारहा इंडिया के साथ भी शेयर किया और आलमी बरादरी के साथ भी शेयर किया, तो हमें उस रवैये के ऊपर, उस रविश के ऊपर एतराज़ था। और वो रविश हमारा ख्याल है कि जो भी एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट अफगानिस्तान में बनेगी अब इस पीस प्रोसेस के ज़रिए, वो उसमें इस मामले को काफ़ी इफेक्टिव तरीके से एड्रेस किया जाएगा। जॉन बोल्टन का भी आर्टिकल आया हुआ है और उन्होंने भी बड़ा, खैर वो तो इज़ अ क्रेजी मैन आई नो, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे ट्रंप के, जिसको ट्रंप क्रेजी के उसके बाद तो बात ही ख़त्म हो जाती है ना, लेकिन उन्होंने बड़ा एक थीसिस पेश किया हुआ है कि जी देखिए, अब अमेरिका को पाकिस्तान की वो ज़रूरत नहीं रही निगोशिएशन में, अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करना चाहिए और बड़ी सख्ती करनी चाहिए, और अब पाकिस्तान जौन सा है, ये इसके आइडियोलॉजिकल एलाइज आगे हैं वहाँ पे, तो पाकिस्तानी भी एक्सट्रीमिस्ट हैं, तालिबान भी एक्सट्रीमिस्ट हैं। क्या ये बोल्टन वाली बात बोल्टन तक ही महदूद है कि इसका ख़तरा है कि ये सोच आगे नए पाकिस्तान अमेरिकन रिलेशंस में आ जाए? देखें, बोल्टन साहब तो बोल्टन साहब हैं जैसे आपने कहा, लेकिन जो जनरल आर्गुमेंट है ना सिर्फ उसका खतरा है, मुझे तो तकरीबन यकीन है। देखें, जनरल ओपिनियन इन पाकिस्तान जो अमेरिका में है पाकिस्तान के बारे में, वो पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करती, और वो वही ओपिनियन है जो पाकिस्तान में है अमरीका के बारे में। सो अभी तक तो अमरीका जो है वो इतना इंट्रोवर्टेड है कि ये जो शौक है, ये जो सख्ता है, उसमें तमाम जो सवालात हैं वो अमरीका के बारे में पूछे जा रहे हैं, बाइडन के बारे में पूछे जा रहे हैं, ट्रंप के बारे में पूछे जा रहे हैं, CIA के बारे में पूछे जा रहे हैं, इंटेलिजेंस के बारे में पूछे जा रहे हैं, लेकिन यकीनन उंगली जो है वो पाकिस्तान के बारे में भी उठेगी। जब अमरीका जो है वो ढूंढेगा कि कोई और कसूरवार किसको ठहराया जा सकता है, तो हमारे पीछे एक टारगेट का निशान बना हुआ। So, मेरे ख्याल में ये ना सिर्फ मुमकिन है लेकिन तकरीबन यकीनी है कि पाकिस्तान के ऊपर अभी इंटरनेशनल सवालात भी आएंगे। इन अ वे पाकिस्तान मेरे ख्याल में कोशिश ये कर रहा है कि उनका पहले से जवाब दे कि देखो, ये हमारी मैस नहीं है, ये मैस जो है ये अमेरिका जिस तरह यहां से गया उसकी मैस है।